एक दिन में तीन जगह नामांकन हुआ भी इतनी दूरी पर क्षेत्र कैसे संभव हो पाया। दो तीन बातें बिल्कुल पहले ही से तय है, फाइनल है कि अब की बार 400 पार। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। हुआ है, सभा चल रही होगी, हम लोगों को जल्दी वहां पहुंचना है। हम सब लोग पटना से चलकर पहले गया गए, जहां जीतन राम मांझी जी का नामांकन था, वहां के बाद यहां आए हैं और यहां से नवादा होते हुए पटना वापस होना है। एक दिन में तीन जगह नामांकन हुआ भी इतनी दूरी पर क्षेत्र कैसे संभव हो पाया। यह संभव हो पाया हेलीकॉप्टर के कारण संभव हो पाया। तो हेलीकॉप्टर से कितना काम आसान हो जाता है आप सब लोग रोज देख रहे हैं, और इसलिए चिराग जी, अरुण भारती जी आपके लिए हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। अब आप लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत भाषण करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने मन बना लिया है। अरुण भारती जी को निश्चित रूप से सांसद बनाएंगे आप, ऐसा दिखता है। हम लोग भी यही आग्रह करने के लिए आए हैं। हाँ, इतना आग्रह हम लोगों का, मानिए जिताने का निर्णय आपने लिया है, लेकिन इतना अधिक मतों से जिता दीजिए कि सिर्फ सांसद ही अरुण भारती नहीं बने, बल्कि चिराग पासवान जी का जो डिसीजन हुआ है उस पर भी मुहर मजबूती से लग जाए। भाइयों और मित्रों, इस चुनाव में दो तीन बातें बिल्कुल पहले ही से तय है, फाइनल है। बार बार यहां से मन से नेता लोग कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार होना ही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह बात फाइनल है। और साथ ही साथ जब 400 पार का आंकड़ा एनडीए के खाते में, तो दूसरी बात जो तय है, फाइनल है, वह यह है कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री फिर से बनना तय है। तो यह बात भी तय है। अब इस काम में हम बिहार के लोगों का कितना योगदान होना चाहिए, हम बिहार के लोगों का योगदान 40 में 40, 400 पार का जो आंकड़ा है उसको अचीव करने के लिए 40 में 40 बिहार से जिताकर हम लोगों को भेजना है। और बिहार भर से जो सब जगह से खबर आ रही है उसके आधार पे 40 में 40 बिहार से भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर भेजने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे, यह बात भी तय है। 40 में 40 जीतने का जब तय है तो जमुई उसी में आता है। एक बात जो अब आपको तय करनी है, बाकी तो सब तय है, एक बात हम आपसे आग्रह करेंगे कि 400 पार कर जाए उसमें जमुई वासियों के लिए बहुत खुशी की बात नहीं होगी। बिहार में 40-40 जीत जाए, अरुण भारती जी भी जीत कर चले जाए, उसमें आपकी खुशी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए उसमें भी देश का लोग खुश होगा, आपके लिए बहुत खुशी की बात नहीं होगी। आपके लिए खुशी की बात तब होगी जब इस काम में अपने मतदान केंद्र से आप कितना अधिक से अधिक मत से जिताकर भेजिएगा। अगर अधिक से अधिक मतदान के अपने मतदान केंद्र पर वोट देकर जिताकर भेजिएगा, वहां जीतिएगा, तो सबसे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए वहां होगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने मतदान केंद्र पर जाइए, और वहां 1000 अगर मतदाता है तो जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने, बिहार की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम किया है, सभी के लिए काम किया है, तो उनके बीच जाइए। सभी लोगों से आग्रह कीजिए कि सब लोग आपस में मिलजुल करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अरुण भारती जी के हेलीकॉप्टर छाप के सामने के बटन को दबा कर दे,
ताकि रिकॉर्ड मतों से अरुण भारती जी जीत पाए, यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच आए। भाइयों और मित्रों, अगर आप सब लोगों ने इस रूप में जिताकर भेजने का काम किया तो इससे देश की सरकार अच्छी बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, विकास का काम होगा। लेकिन इतना ही नहीं, देश दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम फिर से डंके की चोट पर आगे बढ़ेगा, नीतीश कुमार जी का नाम आगे बढ़ेगा, सम्राट चौधरी जी का नाम आगे बढ़ेगा, चिराग पासवान जी का नाम आगे बढ़ेगा, जीतन राम मांझी जी का नाम आगे बढ़ेगा और साथ में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, मिलजुल कर जिताइए, फिर हम बाद में भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।